फ्रेंड्स, वेलकम टू कपिल एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनसीएल में जो रिक्रूटमेंट आई है उसके नोटिफिकेशन के बारे में, एलबीटी क्राइटेरिया के बारे में और आवेदन कब से स्टार्ट होगा उसके बारे में। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, आपकी जो वैकेंसी है नेशनल कोलफील्ड लिमिटेड में, आपकी वैकेंसी यहाँ पर दी गई है, जो कि पद आपके मीनिंग सरदार एंड सर्वेयर के पद पर आपकी वैकेंसीज रहेगी। हम बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन के लिए आप एनसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन दिखेगा। रिक्रूटमेंट सेक्शन में यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में उपलब्ध कराई गई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके वहाँ पर चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। आगे चलने से पहले, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपकी वैकेंसी नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड में आपकी वैकेंसी आई है, जो कि पद के बारे में हम बात करेंगे। पद आपका यहाँ पे रहने वाला है माइनिंग सरदार एंड सर्वेयर के पद पर आपकी वैकेंसी टेक्निकल एंड पे आपका रहने वाला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे डिटेल्स, नोटिफिकेशन डेट यहाँ पे दी गई है, रेफरेंस नंबर भी यहाँ पे दिए गए हैं, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन इन्वाइटेड किया गया, ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे, एलबीटी क्राइटेरिया एंड कंडीशंस के बारे में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, माइनिंग सरदार के लिए आपका जो वेतन रहेगा 31,852 रुपये मंथली रेटेड आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करेंगे तो यहाँ पे 374 वैकेंसी रहेंगी। कैटेगरी वाइज यहाँ पे ब्रेकअप आपको दिया गया है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन में जाकर। जनरल के लिए 149, 36, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए 55, एसटी के लिए 79, ओबीसी के लिए 55 वैकेंसी और सर्वेयर के लिए टोटल 31 वैकेंसी। जनरल के लिए 14, ईडब्ल्यूएस 3, एससी 4, एसटी 6 और ओबीसी के लिए 4 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। पोस्ट नेम माइनिंग सरदार इन टेक्निकल एंड सर्वेयर में ग्रेड सी में आपकी, इसमें आपका मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, वैलिड माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इस बाय डीजीएम एस अंडर कोल माइन रेगुलेशन 2017 के अंडर में आपको यहाँ दिया गया। वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए और यहाँ पे आपके और डिटेल्स जो दी गई इनमें से आपके पास एक कोई भी होना चाहिए। पोस्ट नेम सर्वेयर एंड टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रुप बी के लिए बात करेंगे, इसमें भी आपका 10th क्वालिफाई होना चाहिए और सर्वेयर का आपके पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो डिटेल्स यहाँ पे दी गई है फ्रेंड्स। स्पेशल नोट्स आप देखेंगे यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे दी गई है, 22 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं लास्ट डेट, और आपके एलबीटी क्राइटेरियाज यहीं से काउंट की जाएंगे फ्रेंड्स। रिजर्वेशन यहाँ पे दिए गए हैं, अब यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रिजर्वेशन यहाँ देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। एज लिमिट की बात करेंगे फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया, तो यहाँ पे एज जो क्राइटेरिया आपका रखा गया है, मिनिमम 18 साल यहाँ पे रखी गई है, मैक्सिमम 30 साल यहाँ पे रखा गया है। एज रिलेक्शन आपके लास्ट डेट से काउंट किया जाएगा 22 दिसंबर 2022 से। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को कोई रिलेक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा एज में। एसटी एससी कैटेगरी के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनके लिए जनरल के 10 साल का, ओबीसी के लिए हैं कैंडिडेट्स हैं फिजिकली हैंडीकैप उनके लिए 13, और एसटी एससी कैटेगरी के फिजिकली हैंडीकैप उनके लिए 15 साल के। एक्सेल परफॉर्मेंस से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है, और डिपार्टमेंटली कैंडिडेट्स के लिए नो अपर एज लिमिट्स यहाँ पे रखी गई है फ्रेंड्स, वो आप देख सकते हैं। एज आपकी जो काउंट की जाएगी 10th के मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के आधार पर आपकी काउंट की जाने वाली। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फीस रखा गया है, ऑनलाइन मोड से आपको पेमेंट करना होगा। ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रुपये प्लस 180 जीएसटी, टोटल आपका 1180 रहेगा। बाकी कैंडिडेट एसटी एससी फिजिकली हैंडीकैप ईएसएम डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई यहाँ पे एप्लीकेशन फीस नहीं रहने वाला है फ्रेंड्स, यहाँ पे नहीं रहना। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन मिनिमम एलबीटी क्राइटेरिया सर्कुलर जो यहाँ पे दिया गया है उसमें आधार पर एम्प्लॉयमेंट अंडर रिक्वायर्ड अपेयर कंप्यूटर बेस आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस एग्जाम रिलेटिव स्कोर इन द सीबीटी के आधार पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन रहने वाला है फ्रेंड्स, वो आप देखेंगे। कट ऑफ आपको यहाँ पे 100 मार्क आपका कैरी कंडक्ट सेपरेटली होगा, 100 मार्क कैरी किया जाएगा, 19 मिनट का आपका ड्यूरेशन यहाँ पे एग्जाम का रहेगा। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, सेक्शन ए में आपको टेक्निकल नॉलेज डिसिप्लिन रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे, 70 मल्टी चॉइस क्वेश्चन आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे।
सेक्शन बी में आप जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड काउंट्स आपको देखने को मिलेंगे। 30 मल्टी चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन एक मार्क कैरी करेगा और नो नेगेटिव मार्क आपका यहाँ पे रहने वाला। रॉन्ग आंसर नो मार्क विल बी अवार्ड आपको यहाँ पे नहीं रहने वाला है फ्रेंड्स। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही भाषा आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। टेस्ट सीरीज आपको ऑनलाइन आप आवेदन करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेंगे, आप सिलेक्शन के हिसाब से आपको सेट टेस्ट सीरीज वहाँ पे देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पोस्ट माइनिंग सरदार टेक्निकल एंड सर्वेयर ग्रेड सी के 100 मार्क का रहेगा क्वेश्चन। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाई मिनिमम सिलेक्शन आउट ऑफ मार्क यहाँ पे दिए गए कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। जनरल कंडीशंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, केयरफुली रीड करेंगे नोटिफिकेशन को उसके बाद ही आप आवेदन करेंगे। फॉर्म कैसे आवेदन करना है, जैसे फॉर्म फिलिंग प्रोसेस 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, कल से आपको बताएंगे फॉर्म कैसे आवेदन करना है। उसके लिए अभी तक भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है और 22 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे 1 दिसंबर 2022 से सुबह के 10 बजे से आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट जो रहने वाली है 22 दिसंबर 2022 तक आप आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, सिलेबस आप चेक कर लेंगे। माइंग सरदार टेक्निकल एंड सर्वे ग्रुप सी के लिए 1 से 70 क्वेश्चन MCQ 1 मार्क इच आपका रहेगा, 70 मार्क का रहेगा। इसमें आपको डिटेल्स दी गई हैं, उसको आप चेक कर लेंगे। आपके उससे रिलेटेड पोस्ट से रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और 30 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस का, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और काउंट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। 31 मार्क इच यहाँ पे कैरी करेगा फ्रेंड्स। माइनिंग सर्वेयर टेक्निकल एंड सर्वेयर ग्रुप बी के लिए आप 1 से 70 आपके उससे रिलेटेड पोस्ट से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। बाकी 30 क्वेश्चंस आपको फ्रेंड्स जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग, काउंट्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग कपिल एजुकेशन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स।